जय श्री राधे कृष्ण मित्रों, मैं आपका दोस्त रविंदर आपका स्वागत करता हूँ। अभी जो मौसम चल रहा है, स्पेशली इस मौसम में पैरों में बहुत ज़्यादा जलन होती है, पैरों के तलवों में। तो इसका धार्मिक मीनिंग क्या है और साइंटिफिक मीनिंग क्या है, तो आज हम इसी के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। अगर आप पहली बार आए हैं तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि इससे हमारी यूट्यूब फैमिली बढ़ेगी। देखो, पैर के तलवे में खुजली होना और जलन होना दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। खुजली होने पर मैंने स्पेशली वीडियो बना दिया है, तो वो आप देख सकते हैं। अभी हम बात कर रहे हैं पैरों में जलन होना या गर्माहट निकलना। देखो, अभी ये जो मौसम चल रहा है वो है बारिश का मौसम, और बारिश के मौसम में पैरों में जलन होना बहुत ही सामान्य होता है। अगर आपके कई हफ्ते बीत चुके हैं, कई दिन गुजर गए हैं, तो आप डॉक्टर से संपर्क कर सकते हैं, दवाई ले सकते हैं। बाकी आप इस पर मेहंदी भी लगा सकते हैं पैरों के तलवे पर, क्योंकि ये जो अग्नि है उसे खींच लेती है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि इसका धार्मिक कारण होता है कि जब बारिश होने वाली होती है तो कोई ना कोई साइंटिफिक कनेक्शन होता है हमारे पैरों से, क्योंकि हमारे पैरों को वैसे जमीन माना गया है, जमीन का भाग हमारे पैरों को माना गया है। तो इसलिए कोई साइंटिफिक रीज़न होता है जिसकी वजह से हमारे पैरों में जलन निकलती है अगर बरसात होने वाली हो। इससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आने वाले समय में काफ़ी अच्छी बारिश हो सकती है, और पैरों में जलन ज़्यादातर जो है कि बारिश के मौसम में ही देखने को मिलती है।